तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। और बारहवीं मूवी का सेकंड ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखकर इस मूवी के बारे में समझ में आ रहा है कि ये मूवी हमें क्या दिखाना चाहती है और क्या बताना चाहती है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके फर्स्ट टीजर में हमने देखा था कि जहां बारहवीं एक ऐसे वर्ल्ड में रहती है जहां हर चीज एकदम परफेक्ट है। अगर शॉर्ट में कहें तो वो एक परियों का जहां है, जहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है। वहीं इसके सेकंड ट्रेलर में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बारहवीं के साथ बारहवीं वर्ल्ड में कुछ होता है, जिसके वजह से उसके मन में कई सारे सवाल उठते हैं और वो सभी से अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है, जो कि रियल वर्ल्ड में तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन बारहवीं वर्ल्ड में अजीब है वो सवाल। जैसे कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि वो एक जगह कहती है कि क्या तुमने कभी मरने के बारे में सोचा है। अब देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बारहवीं वर्ल्ड कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक टॉय की दुनिया है जिसे स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है। अब इसीलिए इस मूवी की स्टोरी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि आखिर बच्चे इस दुनिया को किस तरह से देखते हैं और अगर बड़ों के सिचुएशन में बच्चे आ जाएं तो वो उन प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। और इसी चीज को बारहवीं के ऊपर रख कर दिखाया जाएगा, जब बारहवीं अपने बारहवीं वर्ल्ड को छोड़कर रियल दुनिया में आएगी और जब वो इस जालिम दुनिया को देखेगी तो वो क्या करेगी, या फिर ये जालिम दुनिया बारहवीं के साथ क्या करेगी। क्योंकि जैसे कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि बारहवीं रियल वर्ल्ड में आती है तो लोग उसके कॉस्ट्यूम या फिर उसके कपड़े का मजाक उड़ाते हैं और सारी दुनिया उसको एक मजाक के रूप में लेती है। जहां पर हम देख सकते हैं कि बारहवीं को जब एक बदमाश ने बैट टच किया तब बारहवीं ने पहली बार किसी के ऊपर हाथ उठाया और ऐसा करके बारहवीं खुद शॉक है क्योंकि उसके दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो, मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है और आज से पहले हमने इस तरह की मूवी नहीं देखी है जिसमें हमारे समाज की बुराई को एक आईने की तरह दिखाया जाए, लेकिन उसको दिखाने का तरीका भी एक फन और कॉमेडी के रूप में हो, जिससे लोग उस सिचुएशन पर हंसेंगे जरूर, लेकिन वो सोचेंगे कि यार इसने तो ये गलत किया है और ये चीज सरासर गलत है, लेकिन आपको इस चीज पर हंसी भी आएगा। बाकी बात करें अगर इस मूवी की सेट डिजाइन के बारे में तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और बारहवीं के मेकर्स ने एक परफेक्ट बारहवीं वर्ल्ड बनाया है। मतलब ट्रेलर में हर एक चीज को पिंक तरह से दिखाने का तरीका काफी ज्यादा पसंद आया मुझे और ऊपर से मार्गो रॉबी बारहवीं के रूप में, उफ मतलब मजा ही आ गया। मतलब वो बारहवीं के रोल में एकदम परफेक्ट लग रही है और लोग उनके हार्ली क्विन के रोल को तो काफी ज्यादा पसंद करते ही है, लेकिन इस मूवी के बाद से उनके बारहवीं के रोल को भी लोग काफी ज्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ बात करें तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक बोले तो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसको सुनकर एकदम फन और जॉयफुल वाइब आ रहा है। और इस वीडियो के बाद मैं तो चला उस सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए और ट्रेलर के एंड में एक और सॉन्ग को यूज किया गया है जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस मूवी में नहीं होने वाला होगा, लेकिन मैं खुश हूँ उस सॉन्ग को सुनकर। और वो सॉन्ग है आई एम अ बार्बी गर्ल। मतलब यार, बारहवीं की मूवी हो और ये सॉन्ग नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मैं तो इस मूवी को देखने के लिए जाऊंगा। बाकी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या आपको इस मूवी का ट्रेलर पसंद आया और क्या आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो या फिर नहीं। बाकी मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि क्यों ये शो बंद हो जाएगा और इस शो से रिलेटेड क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अभी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर जाकर चेक करना। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।